यामाहा ने अपने रेजेड आर और रेजेड आर के स्ट्रीट रैली वेरिएंट को 2023 के लिए अपडेट कर दिया है। और जैसे कि आपने भी सुना होगा कि अप्रैल 2023 से नए BS6 नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, मतलब कि BS6 2.0 लागू होने वाला। तो दोस्तों वो जो नए नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से इनके इंजन्स को तो कंपेटिबल बना ही दिया है। उसके अलावा जो अगर आप बाकी और चेंजेस के मामले में बात करेंगे या फिर आप टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से बात करेंगे तो उन मामलों में इन स्कूटर्स में कोई भी ऐसे चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। और जो आपको चेंजेस नजर आएंगे वो सारे के सारे आपको कॉस्मेटिकली नजर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप आज के टाइम में मतलब 2023 में ये रेजेड आर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आज के टाइम में इनमें आपको क्या-क्या चेंजेस करके दिए जा रहे हैं और क्या-क्या कलर ऑप्शंस रेजेड आर में से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं और आज के टाइम में क्या-क्या कलर ऑप्शंस आपको ये रेजेड आर में ऑफर किए जा रहे हैं। और सबसे पहले ये यामाहा रेजेड आर के भी डिज़ाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में या फिर लुक्स वगैरह के मामले में ही बात की जाए तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसे टेक्निकली चेंजेस तो आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये रेजेड आर का पर्टिकुलर डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट खरीदते हैं तो फिर इसमें एक नया ये मैट ब्लू कलर ऐड किया गया है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो फ्रंट पैनल्स है उधर आपको ये मैट ब्लू कलर दिखाई देगा, बीच में कुछ ब्लैक कलर की स्ट्रिपिंग हो गई, मडगार्ड आपको मैट ब्लू कलर का दिया गया है। वहीं पर अगर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको अब आप जो भी यामाहा रेजेड आर का कलर खरीदेंगे या जो भी वेरिएंट खरीदेंगे वहाँ पर आपको स्टिकर्स में चेंजेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर यामाहा ने कुछ नए स्टिकर्स दिए हैं, जैसे कि ये जो ब्लू वाला कलर है इधर आपको गोल्डन कलर में यामाहा की बैजिंग दे रखी है और साइड में आपका ब्लू ब्लैक और गोल्डन कलर के कुछ स्टिकर्स हो गए और ये जो यामाहा की बैजिंग है ये ब्लैक कलर के ऊपर आपको दी गई है। और ये ब्लू के अलावा अगर आप कोई और कलर खरीदेंगे तो फिर ये जो यामाहा की बैजिंग है ये आपको व्हाइट कलर की दी जाती है, बाकी जो आपका अंदर से भी इसमें आपको वही ब्लू कलर दे रखा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे इधर आपका ये मैट ब्लू कलर हो गया, इधर आपका ब्लैक कलर हो गया, जिधर आपके कुछ ग्राफिक्स वगैरह हैं। और ये जो ग्राफिक्स का पैटर्न है ये भी अब 2023 के लिए बदल दिया गया है। इसके अलावा अगर आप पीछे से देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको ज़्यादातर मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग दिखाई देगी और जो एग्जॉस्ट वगैरह है वो भी आपको मैट ब्लैक कलर का ही दे रखा है। वहीं पर अगर आप इसके व्हील्स देखते हैं तो दोस्तों ये गोल्डन कलर के दिए गए हैं। आप रियर व्हील भी देख लीजिए, आप फ्रंट व्हील भी देख लीजिए, तो दोस्तों ये पर्टिकुलर ब्लू कलर के साथ आपको गोल्डन कलर के दिए गए। वहीं पर दोस्तों अगर आप और चेंजेस की बात करते हैं जैसे कि लाइट वगैरह हो गई, तो इसमें पहले भी आपको LED हेडलैम्प दिया जा रहा था, ऊपर आपको डुएल्स दिए जाते हैं, जो इंडिकेटर्स वगैरह वो हैलोजन बल्ब वाले पहले भी आ रहे थे अभी भी ऐसे ही आ रहे हैं। यानी कि स्कूटर्स के मामले में यामाहा वालों ने अभी भी आपको LED इंडिकेटर्स नहीं दिए जैसे कि मोटरसाइकिल में दी थी। वहीं पर अगर आप व्हील सस्पेंशन टायर्स या फिर ब्रेक्स वगैरह के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके फ्रंट में आपके पास अभी भी वही ऑप्शन है, आप इसको डिस्क ब्रेक के साथ भी ले सकते हैं, ड्रम ब्रेक के साथ भी ले सकते हैं। और जो टायर प्रोफाइल वगैरह है वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके फ्रंट में अभी भी आपको 12 इंचेस का व्हील दिया जा रहा है और जो रियर व्हील है वो अभी भी आपको 10 इंचेस का ही दिया जा रहा है। यानी कि 2023 में भी इन्होंने इसमें 12 इंचेस का व्हील नहीं दिया है। और फीचर्स वगैरह के मामले में कट ऑफ साइड स्टैंड तो इसमें पहले भी दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है। वहीं पर जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर भी आपको कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फीचर्स के मामले में इसमें अब आपको एक चेंज तो करके दिया गया है कि जो पहले ये स्कूटर होता था ये आपकी जो मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स वाली जो ऐप होती है, यानी कि जो यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स ऐप होती है उससे कनेक्ट होता था। लेकिन अब ये जो स्कूटर है ये जो आपकी वाई कनेक्ट वाली ऐप होती है अब ये उससे कनेक्ट होता है। मतलब फीचर्स के मामले में अब इस स्कूटर की मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी को बदल दिया गया है। और ये नॉर्मल वाले रेजेड आर के बारे में तो मैंने आपसे बात करी ली है। अब दोस्तों अगर ये जो रेजेड आर का स्ट्रीट रैली एडिशन है ये बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के मामले में ऐसा ही होता है जैसे कि रेजेड आर होता है, लेकिन हाँ इसमें आपको कुछ थोड़े से और बेहतर टायर्स दिए जाते हैं या फिर इस पर आपको नकल गार्ड्स लगा करके दिए जाते हैं या फिर आप साइड में देखेंगे तो इधर आपको एक मेटल की प्लेट दी जाती है। तो दोस्तों ये सब तो ये स्ट्रीट रैली के मामले में आपको दिया ही जाता है, लेकिन हाँ ये जो पर्टिकुलर स्ट्रीट रैली वेरिएंट है अब इसमें भी आपको कुछ नए कलर ऑफर्स किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये ब्लैक वाला है जो कि आपको पहले नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों ये जो ब्लैक वाला है अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको मैट फिनिशिंग में दे रखा है और जो दूसरा कलर आपको इस पर दिखाई देगा तो वो ग्लॉसी ब्लैक ही हो गया, मतलब कि मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन होता है जिस पर आप ऊपर देख सकते हैं स्ट्रीट रैली की बैजिंग हो गई, इधर यामाहा की बैजिंग वही गोल्डन कलर में और नीचे ब्लैक स्टिकर हो गया। और इसके भी जो व्हील्स हैं वो आपको गोल्डन कलर के दिए गए हैं। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा अंदर से देखते हैं तो पूरी की पूरी जो फिनिशिंग है वो आपको मैट ब्लैक कलर की दिखाई देगी। वहीं पर थोड़ा सा अगर आप पीछे आते हैं तो इधर आपका ग्लॉसी ब्लैक हो गया और पीछे आपकी ये गोल्डन कलर के कुछ स्टिकर्स हो गई, उनके पीछे कुछ ब्लैक कलर हो गया। और अगर आप प्रॉपर इसे रियर से भी देखते हैं तो ज़्यादातर जो फिनिशिंग है वो आपकी मैट ब्लैक कलर की ही आपको दिखाई देगी।
और इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में इसके इंजन को नए BS6 2.0 नॉर्म्स के हिसाब से तो अपडेट कर ही दिया है। उसके साथ साथ जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यामाहा वालों ने अपनी मोटरसाइकिल के इंजन को E20 पेट्रोल के हिसाब से कंपेटेबल बना दिए। तो दोस्तों वो काम यामाहा वालों ने अपने स्कूटर्स के इंजन के लिए भी कर दिया। अब जो ये यामाहा का जैसे कि रेजेड आ रहा है या फिर फजीनो है, इनके इंजन भी E20 पेट्रोल के हिसाब से कंपेटेबल हो गए हैं। मतलब कि जो आने वाले टाइम में आपको पेट्रोल मिलेगा जिसमें कि आपके 20% इथेनॉल होगी और 80% पेट्रोल होगा, ये स्कूटर उस पेट्रोल से भी चलेगा। और जो अभी पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कि आपकी 10% इथेनॉल होती है और 90% पेट्रोल होता है, उस पेट्रोल के साथ भी ये स्कूटर चलने ही वाला है। और नए नॉर्म्स के हिसाब से कंपेटेबल होने के बाद भी इसकी पावर फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। और इसकी जो भी पावर फिगर्स होती है वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ और ये आपके डिस्प्ले पर भी आ रही है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है। और वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में यामाहा रेजेड आर में आज के टाइम में भी आपके 3 ही वेरिएंट आ रहे हैं। और इनमें पहला आपका ड्रम ब्रेक वाला होता है जिसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब आज के टाइम में 83,000 रुपये के आसपास है। और इसमें आपके 3 कलर्स अवेलेबल है, एक ब्लैक, ब्लू और रेड। और ये जो नए वाले कलर्स है अगर आप इनके ग्राफिक्स को देखेंगे तो वहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और ये रेजेड आर में दूसरा वेरिएंट आपका डिस्क ब्रेक वाला आता है जिसको अगर आप ये रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में लेते हैं तो फिर इसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 88,500 रुपये के आसपास होती है। वहीं पर अगर आप ये मैट ब्लू वाला जो नया कलर है, इसके अलावा जो इनका सिल्वर और ब्लू फिनिशिंग में मतलब रेसिंग ब्लू कलर आता है, अगर आप उनको लेते हैं तो फिर उसके लिए आपको 1,000 रुपये और ज़्यादा देने होंगे और उसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 89,500 रुपये के आसपास है। और ये जो कलर ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं आज के टाइम में यामाहा का जो ये रेजेड आर 2023 है इसमें यही कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। इससे पहले जो आपके और कलर आते थे वो अब 2023 के लिए डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। और जो रेजेड आर का तीसरा वेरिएंट है वो ये स्ट्रीट रैली वाला होता है जिसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 92,500 रुपए के आसपास रखी गई है। और इसमें भी कलर्स में चेंज कर दिया गया है और चेंज ये है कि इसमें जो पहले आपका ग्रीन कलर आता था उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसके अलावा जो ऑरेंज आता था वो ऑरेंज तो आज के टाइम में भी आ रहा है, लेकिन उसके अलावा अब इसमें आपके 2 कलर्स ऐड किए गए हैं जिनमें से एक तो ये मैट ब्लैक वाला है जिसमें आपको गोल्डन कलर के व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक नया ग्रे कलर भी ऐड किया गया है, उसमें भी आपको ये ऑरेंज और ये रेड कलर के ही व्हील्स दे रखे हैं। तो दोस्तों यही सब था ये नए रेजेड आर 2023 के बारे में। अब इस पर आपके क्या विचार है, जैसे कि टेक्निकली तो इन स्कूटर्स में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं लेकिन हाँ आपको कुछ नए कलर्स ऑफर किए गए हैं, तो इन पर आपके क्या विचार है, आपको ये नए कलर्स कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।